कैसे आप सभी लोग, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी आपने टेस्टिंग देख लोगी कितना अच्छे से वर्क करता है और बहुत ही अच्छा यूज़फुल होने वाला है। तो गर्मियों के लिए ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इसमें 2-in-1 है, मैंने 2-in-1 बनाने की कोशिश की है इसमें, और थोड़ा एडवांस फीचर डालने की कोशिश की थी और थोड़ा अच्छा और बनाए, और आप इसे और एडवांस बना सकते हो। तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाया। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी और वीडियो मिल जाएगी, और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो भेजूँ आपके पहले सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो कैसे बनाया गया है देखते हैं इसको। तो इसे बनाने के लिए हमारा मेन मटेरियल पीवीसी पाइप का शीट है, तो उससे बनाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पीवीसी पाइप का शीट के ऊपर एक थोड़ा सा इसके 7 सेंटीमीटर का डायमीटर के हिसाब से इस पाइप का डायमीटर इसके ऊपर गोल निकाल दिया है, और इसके मिड में मेरे को होल करना है और इस मोटर को यहाँ पे फिट करना होगा। तो होल कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देख सकते हो मैंने बिल्कुल मिड साइड में होल कर दिया है इसके अंदर, और ये हमारी मोटर इसके अंदर आसानी से आ रही है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यही वाली मोटर यूज़ करें, इसके अलावा आप इस तरह की मोटर यूज़ करेंगे। अगर आप इस तरह की मोटरों का यूज़ करेंगे तो थोड़ा बड़ा चार्जर सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, मार्केट में इजीली मिल जाएगा मोबाइल शॉप पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इतनी जगह छोड़ रहा हूँ, तो ये यहाँ पे इस तरीके से फिट होगा कुछ। यहाँ पे एक मोबाइल सॉकेट को इस तरह फिट करेंगे, और इसके पास में इंडिकेटर को, और यहाँ पे स्विच लगा देंगे। तो फटाफट से इस कनेक्शन को मैं कम्प्लीट कर लेता हूँ फिर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ यहाँ पे एक होल और यहाँ पे एक होल कर दिया, और यहाँ पे स्विच का होल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये स्विच आएगा, और यहाँ पे ये हमारी एलईडी लगेगी इस छोटे वाले छेद में, और ये यहाँ पे हमारा ये चार्जर सॉकेट लगेगा। और इसका कनेक्शन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर बाद में आपको समझा दूँगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये चार्जिंग मॉड्यूल के यहाँ पे एक तो बैटरी का वायर भी आ रहा है,
ये मोटर का वायर और एक ये एलईडी का वायर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे कुछ और नहीं है। और ये कनेक्शन इसका दूसरे मॉड्यूल के ब्लैक वाले वायर के, यहाँ पे मैंने एक डायोड लगा रखा है ताकि ये बैटरी फुल चार्ज होने के बाद में वापस से करंट हमारा बाहर नहीं आए। और इसका एक वायर मैंने इस स्विच कनेक्ट किया है, और एक वायर इस एलईडी लाइट से, एक वायर बैटरी के साथ, और इसका एक वायर यहाँ पे बीच में कनेक्ट किया है। मैंने क्यों किया है, तो मैंने इसको एडवांस बनाने के लिए किया है ताकि आप इसे डबल यूज़ में भी ले सकें, बहुत सारे वर्क भी कर सके इससे। और यहाँ पे इंडिकेटर लाइट के रूम में मैंने एलईडी लगाई है। ये भी मैंने क्यों लगाई मैं आपको बता दूँगा भाई। अगर इस स्विच को हम दूसरी साइड दबाएंगे तो ये हमारी मोटर चलने लग गई है, इसको टाइटली लगा देते। अभी मैं इस स्विच को लगाऊंगा तो ये हमारा चालू हो गया है, तो इसको वापस से बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। अब इसको दूसरी साइड जलाएंगे तो ये हमारा एलईडी लाइट बहुत ब्राइट है, भी बहुत तेज़ देख सकते हो। ये हमारा इंडिकेटर का भी काम करेगा, और ये एलईडी लाइट मतलब आप रात में भी इसको यूज़ कर सकते हो और बहुत सारे काम भी ले सकते हो नाइट के टाइम भी। तो इसको फटाफट से इसको फिट कर लेते हैं और बाद में इसके ऊपर का काम चालू करेंगे। इसको तो बंद कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से गेरा को पाइप के टुकड़े को काट के कुछ इस तरीके का शेप दे दिया है। आप अपने हिसाब से इसको चौड़ा या छोटा कर सकते हो। और यहाँ पे मोटर को मैंने नीचे फिट किया है, और सारा सिस्टम पहले जैसा है। और मैंने यहाँ पे ये टुकड़ा इसलिए लगाया ताकि मोटर पर पैसा ज़्यादा नहीं बढ़े, और इसको हम दबाए तो भी नीचे से निकले। और अभी ये हमारा प्रॉपर इसका ये रहा, इसको यहाँ पे हम इस तरीके से फिट करेंगे, और बाद में कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे फिट करेंगे, और यहाँ पे इसके नीचे कुछ इस तरीके का सपोर्ट लगा देंगे, और यहाँ पे ऊपर से इसको ढक देंगे पूरा। तो मैं आपको यहाँ से पूरा चिपका के इसकी टेस्टिंग दिखाऊँगा फिर आपको, तो फटाफट से इसको चिपका देता हूँ मैं जल्दी से। फाइनली बन के रेडी हो गए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका फाइनल लुक। पीछे से देख सकते हो यहाँ पे हमारे मैंने एक स्विच लगाया है, और यहाँ पे मैंने एलईडी लगा दिए, और एक यहाँ पे चार्जर सॉकेट है, और आगे से इस तरीके से मैंने डिजाइन दे दिया है इसको ऊपर से, और आगे से कुछ यहाँ पे दो पीस पाइप के टुकड़े लगा दिए, और नीचे से जैसे का जैसा है, और इसको बंद कर दिया है। अब इसकी टेस्टिंग पर आते हैं। तो इसकी टेस्टिंग के लिए मेरे पास, मैं आपको एक कागज़ काट के इसको उड़ा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे कागज़ इस तरीके से काट लिया है। अब इस देख सकते हो ये चालू हुआ है, अभी मैं ये बिल्कुल सही है, अभी इसकी तरफ करूँगा देख सकते हो उड़ने लग गया है। अभी इसके नज़दीक लेके आऊँगा तो देख सकते हो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो उड़ रहा है। अभी आप पे देख सकते हो इतनी दूर से भी थोड़ी थोड़ी एयर आ रही है बढ़िया से। ऐसे छोटे और कागज़ उड़ा के और दिखा देता हूँ कि, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ कागज़ के टुकड़े काट लिए। अभी इसको मैं उड़ा के दिखा देता हूँ आपको, इसको चालू कर देता हूँ पहले। देख सकते हो ये चालू हो गया हमारा पीछे से चालू बटन जाऊँगा, इसको देख सकते हो अभी ये सारे उंडे लग गए, अभी देख सकते हो अभी ये देखो सारे कागज़ फैल गए। देख सकते हो इसके ये हो गया इसका वन फीचर, इसके अंदर से एयर भी आती है। तो इसका एक और फीचर आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसको इस तरीके से पकड़ते रहने सकते, या इसको आप रख भी सकते हो कहीं भी इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे हवा खा सकते हो कुछ ऊँची जगह पर अपने हिसाब से। नहीं तो आप इसका एक और यूज़ बताने वाला हूँ। आप इसको जैसे चालू करोगे, अभी आप हवा तो आ रही है देख सकते हो मेरे बालों के इधर। अब एक और आप अपनी जेब के अंदर कुछ इस तरीके से इसको रख सकते हो, इसको बाहर छोड़ नहीं देना है आपको कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हवा आराम से मेरे चेहरे तक आ रही है, आप देख सकते हो गर्मी नहीं हो रही बिल्कुल आराम से हवा। इसका थर्ड यूज़ मैं बता देता हूँ आपको। अब इसका एक फीचर तो एयर का हो गया, इसको इसका एक यूज़ दो यूज़ हो गए। अभी इसका तीसरा यूज़ ये एलईडी लाइट, अभी आप देख सकते हो इसका पहले चार्ज मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसको चार्ज का सिस्टम बताने वाला आपको, जैसे हम सिंपल इसके अंदर इसको लगाएंगे तो अभी देख सकते हो चार्जर इंडिकेटर का काम, हमारी लाइट
चार्जर इंडिकेटर का काम कर रही है अभी, आप देख सकते हो। आप इससे बैठे बैठे स्टडी भी कर सकते हो, इसका यूज़ भी देख सकते हो। अभी अभी चार्ज लग रहा है, तो आप इसका यूज़ LED लाइट के रूम में भी कर सकते हो। और ये चार्ज भी होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करेगा, यहाँ पे बैटरी को भी चार्ज करेगा भी कर सकते हो, इसका यूज़ भी कर सकते हो इसको चार्ज लगाने के पर भी। और ये इंडिकेटर का काम भी करेगा, और ये अभी देख सकते हो। अब इसको उठाऊंगा तो ये बंद हो गया। अब इसका यूज़ एक और ये इसे चार्ज इंडिकेटर का काम नहीं करेगा ये। अभी देख सकते हो मैं इस बटन को जैसे ही दबाऊंगा तो ये देख सकते हो हमारी टॉर्च का भी काम करेगा ये। तो ये बहुत सारे R-in-1 बन गया हमारे लिए, बहुत काम कर यूज़ करेगा। और भी एक बहुत सारे यूज है। अभी आप अगर आप सोल्डरिंग कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से इसको खड़ा कर सकते हो, और यहाँ पे सोल्डरिंग करोगे तो सारा सोल्डरिंग का धुआं इधर खींच लेगा और बाहर इधर निकाल देगा, आपको परेशानी नहीं होगी। और इसका एक और यूज़ है, आपने यहाँ पे इस तरीके से रख के यहाँ पे आगे आप फ़ोन लगा सकते हो। जो आप गर्मी का दिन है तो फ़ोन भी ज़्यादा हीट होता है, तो इसकी हीट को ये ठंडा कर देगा, और इधर लगाओगे तो हीट को कंज्यूम करके बाहर निकाल देगा। बहुत सारे यूज़ आप अपने हिसाब से बहुत सारे यूज़ इसके ले सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑन करके, और ये अच्छा लगा हो तो अपने आसपास अपने शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि ये आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो में बहुत मेहनत लगती है यार, इतना तो आपको करना बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो।